क्षेत्रीय विधायक केदार सिंह डावर ने सेगांव समीप ग्राम दसंगा के पुल पर बस गिरने में मृत 24 लोगों की आत्माओं को शांति प्रदान करने की प्रार्थना की है। उक्त घटना पर गहरा शोक जताते हुए क्षेत्रीय विधायक केदार सिंह डावर ने मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री से मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की राशि और इसमें गंभीर घायलों को 1-1 लाख रुपए की राशि सहायता के तौर पर तत्काल देने की मांग की गई। वहीं इस भीषण कांड में दोषी लोगों पर सख्त कार्यवाही की भी मांग की गई। इस मौके पर जनपद पंचायत उपाध्यक्ष ओम प्रकाश पाटीदार व धन्नालाल वर्मा मौजूद थे। सैगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। एक दुखद घटना घटी, बस हादसे में करीब 24 लोगों की मौत की खबर है। आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर कल जो बस दुर्घटना हुई, बहुत गंभीर मसला, दुखद घटना हुई और उसमें लगभग 24 लोगों की पुष्टि, मौत की पुष्टि हुई और इंदौर और विभिन्न प्राइवेट अस्पतालों में इलाजरत लोग हैं। ये एक गंभीर घटना है और इसमें हम तो सरकार से चाहेंगे कि मृतक परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दें। जो इलाजरत हैं इंदौर में, अरविंदो में है, खरगोन में प्राइवेट अस्पताल में है और शासकीय अस्पताल में, उनका फ्री इलाज किया जाए और उनको भी 5-5 लाख रुपए उनकी गंभीरता को देखते हुए इलाज के उनको राशि तत्काल मुहैया कराया जाए। और इंदौर में जैसे खबर लगी है कि इंदौर में भी जो अरविंदो में है, सरकार ने कहा है कि उनका सबका फ्री इलाज किया जाएगा, लेकिन वहाँ भी उनसे पैसा लिया जा रहा है। जो तत्काल बंद करके वहाँ के कलेक्टर और वहाँ के मुख्यमंत्री जी निर्देश दें और वहाँ उनका फ्री इलाज करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।